सुबह होने वाली है, आसमान में लालिमा छा गई है। ये खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए भला कौन सुबह जल्दी नहीं उठेगा। और भोर में भारत का झंडा फहराने की तैयारी हो गई है। पंछियों की चहचहाट, हवा की सरसराहट और पानी की कल कल करती हुई आवाज़, उसके साथ भारत का झंडा ऊपर जाते देखना बिल्कुल बयां के बाहर है। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं जय हिंद से। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर जर्नी इन दिस जिंदल नेचर केयर इंस्टीट्यूट फ्रॉम टर्बल टू ऑसम। दिस प्लेस इज सो ब्यूटिफुल। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट व्हाट आई डू इन द डे, व्हाट आई ईट About this place. This journey is about target 65. जी हाँ, 75 to 65 weight कैसे किया जाए? मैं यहाँ 2 week के लिए आई हूँ और इसमें मुझको अचीव करना है टारगेट 65. So let's get started. तो सबसे आसान और पॉसिबल चीज है वॉक योर वे टू हेल्थ। यहाँ के नेचर और यहाँ की आबो हवा और यहाँ के ग्रीन्स में घूमना तो बहुत ही अच्छा लगता है। वॉकिंग हर आदमी अपने स्टैमिना और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कर सकता है। सुबह अपने मेटाबॉलिक सिस्टम को बूस्ट करने के लिए वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। एज चाहे कुछ भी हो, छोटे हों बड़े हों, मोटे हों पतले हों, हर कोई अपनी सराउंडिंग में अपनी पेस पे वॉक करना बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पर वॉक करना एक बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस है। नेचर में वॉक करने में जो मज़ा आता है वो किसी चीज़ में भी नहीं है। लगता है घंटों घूमते रहें, कब 10,000 स्टेप से ऊपर हो जाते हैं पता ही नहीं लगता है। वॉकिंग अकेले करें या कंपनी में, दोनों का ही अपना मज़ा है। और वॉकिंग के साथ हमको कोई ना कोई हॉबी पाल के रखनी चाहिए जिससे हम बोर भी नहीं होते हैं और सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी नहीं आता है। हॉबीज़ आप अपनी पसंद की, योगा, डांसिंग, स्विमिंग, कोई स्पोर्ट भी आप खेल सकते हैं, या साइकिलिंग हो या जिमिंग। और यहाँ तक कि घर के कामों में अगर एक्टिवली इन्वॉल्व रहो तो कैलोरीज भी ख़त्म होती हैं और हमारे घर के काम भी सलट जाते हैं। इस इंट्रोडक्टरी वीडियो के बाद अगले वीडियोस में बात करेंगे फूड और एक्सरसाइज की, जिससे 65 का टारगेट अचीव कर सकें। और शाम होते होते हमें अपनी वर्क लाइफ, एक्सरसाइज, फूड सब में बैलेंस रखने की कोशिश करनी चाहिए। भारत का झंडा उतरने का टाइम आ गया है, शाम जो हो गई है, तो झंडे को हम करते हैं सलाम और आज के दिन को करते हैं गुड बाय। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे ये वीडियोस डाइट, एक्सरसाइज और फूड के बारे में हैं जो हमें अपनी लाइफस्टाइल में ज़रूर उतार लेना चाहिए। अपने लाइफस्टाइल में हल्के फुल्के चेंजेस लाते ही लाइफ हो जाती है टेरेबल टू ऑसम।